बच्चों को हत्या कर दिए हैं लोग, उसी के मामले में आए हुए हैं। बात कुछ नहीं थी, मेरा बच्चा जो है अपना ही छत के ऊपर कुरकुरा चिमकी वगैरह खा करके फेंक दिया था, अंदर में उसके खेत में चला गया। वो आया गाली गलौज देने लगा, मैंने जाकर उसके घर पर बोला कि आपका बच्चा जो है गाली गलौज दे रहा है। उसके बाद मैं शाम को आ रहा था किराना सामान खरीद करके दूसरे गाँव से, तो हमको लोग घेर करके रास्ते में माने कि लोग मारने पीटने लगे। तब तक मैंने चिल्लाया, वो गांव के लोग और मेरा बच्चा दौड़ करके आया। मेरा बच्चा जब आया तो उन्होंने दो गोलियां मेरे बच्चे पर चला दिए। लोग पुराना लड़ाई नहीं था, उन लोग थोड़ा दबंग टाइप के हैं लोग। अच्छा, दबंग टाइप के लोग। दबंग टाइप के हैं लोग। विधायक से मिले थे, हमारे विधायक जी अइबो किए थे हमारे घर हत्या के क्रम में, और उनके पास भी मैं बोला था, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किए। जबकि अभी 6 लोग फरार चल रहे हैं, प्रशासन उनको अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। थाना जाते हैं तो थाना के बोलते हैं प्रभारी साहब कि पता लगाइए कहाँ है, हम जाएंगे। हम आपको पता लगाने कहाँ पता लगाएंगे, हमको बोलते हैं पता लगाइए, हमारे पास इतना तेल मिलता है, हम कहाँ से बार बार आप ही पकड़ेंगे उनको। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज जनता दरबार लगाया गया है, और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार लगाया गया था सोमवार के दिन, और मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल में लगता है ऐसे में एक चचा आए हुए हैं। क्या नाम हुआ चचा? अरुण कुमार सिंह। क्या मामला है, क्यों आए हैं आप यहाँ पे? मेरे बच्चों को हत्या कर दिए हैं लोग, उसी के मामले में आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ से है आप? दावत थाना जिला रोहतास से। अच्छा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र? दिनारा विधानसभा। किस बात के लिए हत्या हुई? बात कुछ नहीं थी, मेरा बच्चा जो है अपना ही छत के ऊपर कुरकुरा चिमकी वगैरह खा करके फेंक दिया था, अंदर में उसके खेत में चला गया। वो आया गाली गलौज देने लगा, मैंने जाकर उसके घर पर बोला कि आपका बच्चा जो है गाली गलौज दे रहा है। उसके बाद मैं शाम को आ रहा था किराना सामान खरीद करके दूसरे गाँव से, तो हमको लोग घेर करके रास्ते में माने कि लोग मारने पीटने लगे। तब तक मैंने चिल्लाया, वो गाँव के लोग और मेरा बच्चा दौड़ करके आया। मेरा बच्चा जब आया तो उन्होंने दो गोलियां मेरे बच्चे पर चला दिए लोग। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई गोली कैसे चला सकता है? बात यही है सर। हाँ। क्या आपका और उससे के बीच में कोई पुराना लड़ाई था? पुराना लड़ाई नहीं था, उन लोग थोड़ा दबंग टाइप के हैं लोग। अच्छा, दबंग टाइप के लोग। दबंग टाइप के हैं लोग। पुराना लड़ाई कुछ नहीं था हमसे उससे। कब हुआ ये सब? 5 नवंबर 2022 को। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक से मिले? हाँ, विधायक से मिले थे, हमारे विधायक जी अइबो किए थे हमारे घर हत्या के क्रम में, और उनके पास भी मैं बोला था, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं किए। जबकि अभी 6 लोग फरार चल रहे हैं, प्रशासन उनको अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। क्या नाम हुआ आपका विधायक का? विजय कुमार मंडल। विजय कुमार मंडल। थाना जाते हैं तो क्या कहा जाता है? थाना जाते हैं तो थाना के बोलते हैं प्रभारी साहब कि पता लगाइए कहाँ है, हम जाएंगे। आपको पता लगाने कहाँ पता लगाएंगे, हमको बोलते पता लगाइए, हमारे पास इतना तेल मिलता है, हम कहाँ से बार बार आप ही पकड़ेंगे उनको। थाना जैसे सुस्त पड़ी हुई है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा हत्या किया गया, ऐसा क्या साक्ष्य है आपके पास? सामने हमारा हुआ है तो। आपके सामने हत्या? सामने गोली मारा गया है। जब हमको लोग मार रहे थे, जब मैंने चिल्लाया तो मेरा जाता मेरा बच्चा जो है दौड़ कर गया मुझे बचाने के लिए, उस क्रम में गोली मारा गया है। अच्छा, उसी टाइम उनकी मौत हो गई? उसी वक्त मौत हो गया, एक गोली सीना पर और एक दहिना पैर में लगा, मौत हो गया उसी वक्त। अभी आप जनता दरबार आए, मंत्री जी से मिले? मंत्री जी से मिले, मंत्री जी बोलेंगे ठीक है हम बोलेंगे। अच्छा, आश्वासन दिए? आश्वासन दिए। चलिए, तो ये बिहार है और बिहार में सिर्फ आश्वासन चलता है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालिया निशान तो खड़ा होता है कि एक अपराधी गोली मार करके और वो अपराधी खुले में घूम रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन ये तर्क देती है कि आप पता लगाइए, हम उसे पकड़ लेंगे। आप इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।